बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलोस। आप सभी को जैसा कि पता है एस्टेट के फॉर्म निकले हुए हैं। एस्टेट यानी हरियाणा टेट के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने एक नोटिस जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है। जैसा कि आप सभी को पता था, जो बच्चे सी टेट क्लियर कर लेंगे वो बच्चे एस्टेट के लिए वैलिड रहेंगे, ऐसा पिछले साल हरियाणा सरकार द्वारा बोला गया था। लेकिन ये जो अब नोटिस निकला है इसके तहत इन्होंने बोला है कि जो बच्चा सी टेट पास कर लेगा दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टेट एस्टेट, मतलब वो हरियाणा के टेट के लिए नहीं होगा क्वालिफाई। मीन्स आप लोगों को हरियाणा के लिए हरियाणा टेट और सेंटर के लिए सेंटर टेट, बाकी जहाँ के भी हैं आप वहाँ के लिए वहाँ का टेट आप लोगों को देना पड़ेगा। और जो हरियाणा में वैकेंसीज अब निकलेंगी टीचर्स के लिए, उसके लिए जो एलिजिबल रहेगा विद्यार्थी वो होगा एस्टेट पास वाला। जिस भी बच्चे ने एस्टेट पास किया होगा वही एलिजिबल है। जिन बच्चों ने सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है दे आर एलिजिबल फॉर सेंटर स्कूल्स, वो सेंटर की जितनी भी जॉब होंगी उनके लिए एलिजिबल होगा, ना कि आपके एस्टेट के लिए मीन्स हरियाणा जॉब्स के लिए। सो ये नोटिस आपका निकाल दिया गया है, मतलब उल्टा ले लिया गया है एक तरीके से, ये कह रहे हैं उस नोटिस को उल्टा ले लिया गया है, जो कि बहुत ही बेकार एक तरीके से कहा जा सकता है। हिंदी में शिक्षा निर्देशनांग के आज एक वर्ष पूर्व जारी अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने हरियाणा में TGT और PRT पोस्टर्स के लिए सी टेट को एस्टेट के बराबर दर्जा दिया गया था, इसको वापस ले लिया गया है। फॉर्म में बता देती हूँ आप लोगों के कब कब हैं और कब कब आप भर सकते हैं। तो भाई ये आपका फॉर्म की डेट्स हैं, जो कि आपको पता है कि 12 नवंबर और 13 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दो दिन एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों के। उसके बाद आपका फॉर्म निकला है 17 सितंबर से और 27 सितंबर रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है आपके फॉर्म के अंदर, तो उस फॉर्म को आप कब करेक्ट कर सकते हैं वो है 28 सितंबर से 30 सितंबर तक आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी डेट आपकी करेक्शन की नहीं निकलेगी। कौन बच्चा एस्टेट दे सकता है? तो भाई जो सेकंड ईयर में हैं वो तो दे ही सकते हैं, और जो पास आउट हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप अभी सेकंड ईयर में नहीं हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो बिल्कुल आपको भी फॉर्म को फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का आता है। एस्टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन मोड में होता है, आप लोगों को सेंटर्स पे जाकर पेपर देना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। जिस भी बच्चे की मैथ बहुत अच्छी है, मैथ और साइंस जिस बच्चे की पकड़ में है, वो बच्चे क्लियर करेंगे इस पेपर को पहली बारी में, गारंटेड है। जिस बच्चे की CDP और हिंदी इंग्लिश इन तीन चीज़ों पे पकड़ हैं, दे ऑल्सो करेक्ट द एस्टेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और जिस बच्चे की सिर्फ CDPA बहुत अच्छी है वो हाँ नहीं कर पाएगा पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बेस होता है CDP हिंदी।